I loved it. Amullah Singh, very nice, very tasty, very good. Amullah Singh, very, very tasty. अक्सर हमारे घर में रखा दूध या लस्सी 2 से 5 दिन में खराब या खट्टा हो जाता है, लेकिन पैकेट बंद लस्सी पर एक्सपायरी डेट 5 से 6 महीने बाद की होती है। आखिर क्यों? इसके साथ ही आज के इस वीडियो में आप जानेंगे पैकेट बंद अमूल लस्सी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, इसको पीने से आपकी हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है, और साथ ही जानेंगे इस लस्सी के साइड इफेक्ट्स और फायदे। तो दोस्तों, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। दोस्तों, अमूल लस्सी को बनाती है अमूल कंपनी, जिसकी शुरुआत 1946 में त्रिभुवन पटेल जी ने की थी। आज 76 साल के अंदर ही इस कंपनी के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिकते हैं। आज की डेट में 386 बिलियन रुपए की नेट वर्थ के साथ ये कंपनी मार्केट में मौजूद है। दोस्तों, चलिए अब चलते हैं गुजरात स्थित अमूल फैक्ट्री में और देखते हैं अमूल लस्सी को कैसे बनाया जाता है। इस प्रोसेस की शुरुआत होती है इन मेहनती कारीगरों से, जो सुबह उठकर पहले अपने मवेशियों का दूध निकालते हैं और फिर इन दूध को कैंस में भरा जाएगा और लोकल सेंटर भेजा जाएगा। सुबह के समय इस सेंटर पर सभी ग्रामवासी दूध की कैंस लेकर यहाँ आ जाते हैं और अपने अपने दूध की जाँच करवाते हैं। इतना होने के बाद यहीं से इकट्ठा किए इस सारे दूध को ट्रकों में भरकर अमूल की फैक्ट्री भेज दिया जाता है। जैसे ही ये ट्रक फैक्ट्री में पहुंचता है तो इस ट्रक को खाली किया जाता है और यहाँ मौजूद इन स्लोस की कैपेसिटी 1.5 लाख लीटर दूध को समाहित करने की होती है। और इस वक्त ये जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं, ये है बनास डेयरी गुजरात, जहाँ डेली 50 लाख लीटर दूध से मक्खन, पनीर, आइसक्रीम, फ्लेवर मिल्क और लस्सी जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। लेकिन दूध को खराब होने से बचाने के लिए पहले इस दूध को पैस्टराइज्ड किया जाता है, यानी दूध को स्टील पाइप से गुजारते हुए करीब 76 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर सिर्फ 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर इस तापमान को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आते हैं। इस प्रोसेस में हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं और अगले ही पल 23 लाख लीटर दूध इन पैकेटों में भर दिया जाता है और इंडिया के कोने कोने में भेज दिया जाता है, और बाकी के बचे दूध से और प्रोडक्ट्स जैसे पनीर, मक्खन, लस्सी, आइसक्रीम को बनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ लस्सी को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको अमूल के किसी भी प्रोडक्ट की वीडियो चाहिए तो हमें नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों, मिल्क के अंदर 87.4% पानी और 12.6% मिल्क सॉलिड होता है, जिसमें फैट 3.7%, प्रोटीन 3.4%। इसी के साथ ही दूध में 80 ग्राम तक कैल्शियम होता है। और दोस्तों, आपको बता दें, इस अमूल लस्सी को बनाने का मेन इंग्रेडिएंट होता है मिल्क सॉलिड, जिसके अंदर वाटर, शुगर 40 ग्राम, स्टेबलाइजर 440। दोस्तों, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो दूध आधारित उत्पादों को स्थिर रखता है। और इसके बाद इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर और एक्टिव कल्चर को डाला जाता है। एक्टिव कल्चर जो एक प्रकार से अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे शरीर में जाकर ग्रोथ में सहायता देते हैं। तो दोस्तों, इन सब इंग्रेडिएंट को मिलाकर तैयार किया जाता है अमूल लस्सी का लिक्विड, जिसको मशीनों की सहायता से कागज के बन रहे अमूल लस्सी के इन पाउचों में भरा जाता है। और ये हाई क्वालिटी मशीन देखते ही देखते इन लस्सी के पैकेटों को भरकर तैयार कर देती है, जिन्हें बड़े पैकेटों में भरकर और ट्रकों में लोड करके भेज दिया जाता है इंडिया के कोने कोने में। यहाँ तक कि विदेशों में भी इसको भेजा जाता है। और दोस्तों, इस तड़तड़ाती गर्मी में इस अमूल लस्सी का एक घोंटी आपको तरोताजा करके रख देता है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने अमूल लस्सी पी है या फिर नहीं। अगर पी है तो आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अमूल लस्सी के साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, इसमें शुगर मिला होता है,
जिससे शुगर के मरीज इसका कम ही सेवन करें तो अच्छा है। दोस्तों इसको पीने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि आपका जो पैकेट है वो खुला या एक्सपायरी डेट तो नहीं है। अगर आप एक्सपायरी डेट से ऊपर के अमूल लस्सी को पी लेते हैं तो आपको कई बीमारियां भी हो सकती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस लस्सी को पीने के लाभ की। तो इसके अंदर कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके साथ ही इसमें 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और एक्टिव कल्चर बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी अंदरूनी ग्रोथ के लिए कारगर साबित होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये लस्सी आपके हेल्थ के लिए सही है या फिर नहीं। जी हाँ, ये लस्सी आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल सही है। बस केवल डायबिटीज वाले लोगों के लिए ये सही नहीं है। और दोस्तों क्या हम इसको रेगुलर पी सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसको आप रेगुलर पी सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि लस्सी पुरानी या एक्सपायरी डेट के अंतर्गत ना आती हो। दोस्तों 6 महीने पैकेट के अंदर रहने के बाद भी ये लस्सी खराब क्यों नहीं होती? तो दोस्तों इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं जो दूध या दही को खराब करते हैं उनको सबसे पहले ही नष्ट कर लिया जाता है और उसके बाद ही इनको पैकेटों में पैक किया जाता है, तो जिस वजह से कोई रिएक्शन नहीं होती है और ये लस्सी भी खराब नहीं होती है। दोस्तों अगर आपका अमूल लस्सी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी इसकी राय भी हमें जरूर दें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो दोस्तों जल्दी ही ऊपर किसी एक वीडियो पर क्लिक कीजिए और आराम से उससे रिलेटेड पूरी जानकारी लीजिए बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। बाय।